आज मैं हेल्दी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चे क्योंकि कुछ खाते नहीं हैं तो इस तरह से बनाऊंगी तो बच्चे भी खाएंगे, जो कि उनको भी पौष्टिक तत्व मिलेंगे। उसके लिए मैंने स्प्राउट्स लिए हुए हैं और कटा हुआ एक बड़ा टमाटर और डेढ़ छोटा कटा हुआ प्याज, आधी कटी हुई गाजर, थोड़ा सा हरा धनिया, 6 कलियां लहसुन की, छोटा सा अदरक टुकड़ा कटा हुआ, 2-3 हरी मिर्च कटी हुई और 1 नींबू और किशमिश मैंने जो रात भर भिगाई हुई हैं, 5-6 छुआरा जो मैंने रात भर भिगाए, और 7-8 10 बादाम हैं भीगे हुए, 12 हैं, और मूंगफली हैं 1 मुट्ठी भीगी हुई वो भी, और किशमिश भीगी हुई, और मेथी दाना जो मैंने भिगो के रखा रात भर, 1 चम्मच मेथी दाना उसमें अंकुरित हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार, ये है वाइट पेपर, मतलब सफ़ेद मिर्च जो आती है काली मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च आपके पास नहीं है तो आप काली मिर्च का उपयोग करिए, और ये चाट मसाला। ये हमारी सामग्री हो गई, और स्प्राउट्स हैं 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी मूंग और 2 मुट्ठी चना, ये भिगा के इनको अंकुरित किया हुआ है, ये देखिए, और मेथी दाना भी लगभग अंकुरित हो गया है, 1 दिन भिगाया, तब 1 दिन भिगाने के बाद रखा तभी अंकुरित होता है। अब मैं ये सब सामग्री मिलाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं स्प्राउट्स डालूंगी, प्याज डाल रही हूँ, अब मैं गाजर डाल रही हूँ, हरी मिर्च, अदरक और टमाटर कटा हुआ, बड़े साइज का एक, छोटे हों तो 2 डाल लीजिए, लहसुन डाला, ये हरे धनिया थोड़े से मैं ऊपर डालने के लिए रखूंगी, मूंगफली दाना, किशमिश और छुआरा मैं बाद में रखूंगी, बहुत बच्चे जो है साथ में नहीं खाते हैं, और ये मेथी दाना और स्वाद अनुसार नमक, ये सफेद काली मिर्च, सफेद मिर्च, और ये चाट मसाला। अब मैं नींबू निचोड़ देती हूँ इसमें। अगर तुरंत नहीं खाना है तो आप सारी सामग्री मिला के रख दीजिए, नमक और नींबू मत डालिए, नमक नींबू जब आप खाएं तभी डालिएगा, इसको आप तैयार करके रख सकते हैं, तुरंत नहीं जो खा रहा तुरंत बनाइए आप। नमक पानी छोड़ता है और नींबू डालेंगे तो पानी छोड़ेगा ही, नींबू तो खाते समय डालिए। मेरे यहाँ सब खाने जा रहे हैं इसलिए मैं सारा कुछ मिला देती हूँ। अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ, ये मिक्स हो गया है, देख पा रहे हैं आप, ये मिक्स करके इस तरह से हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये बादाम, ये किशमिश, ये छुआरा,
ये हेल्दी नाश्ता है।